बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। बड़ी अपडेट है, तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा, गरीबों को मुफ्त आटा, मोटरसाइकिल और रिक्शा के लिए सस्ता पेट्रोल देने का फैसला। जी हाँ, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में तजावीज़ का तफसीली जायज़ा लिया गया। प्रोग्राम को शक्ल देने की हदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गरीब और मुतवस्सित तबके को महंगाई के असरात से बचाने के लिए इकदामात का जायज़ा इजलास हुआ। इजलास के इलामिया के मुताबिक गरीब और मुतवस्सित तबके को महंगाई के असरात से बचाने के लिए इकदामात का जायज़ा लिया गया और फैसला किया गया कि इस्लामाबाद और मज़ाफ़ात में रमज़ान के दौरान मुफ्त आटे की फराहमी की जाएगी। इजलास में मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों को रियायती पेट्रोल की फराहमी पर भी ब्रीफिंग दी गई। मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों को रियायती पेट्रोल की फराहमी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गईं। वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम को हतमी शक्ल देकर जल्द मंजूरी के लिए पेश करने की हदायत की है। इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि जो सरकारी मुलाजमी जिनकी तनख्वाह 60,000 से कम है, उनको भी मतलब कि मुफ्त आटा फ्राहम करने की तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम को हतमी शक्ल देकर जल्द मंजूरी के लिए पेश करने की हदायत की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोटरसाइकिल और रिक्शा वाले कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हुकूमत उनको महंगाई से बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। स्कीम के तहत इस्लामाबाद के 10 लाख लोगों को रमज़ानुल मुबारक में मुफ्त आटा फ्राहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को भी इस स्कीम में शामिल होने की दावत दे दी है। ये थी आज की बड़ी अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।